राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले साल दिल्ली के महरौली में श्रद्धा वालकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी थी। अब श्रद्धा जैसी एक और हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि आखिर कब तक लड़कियाँ ऐसे ही मरती रहेंगी। श्रद्धा के बाद अब निक्की यादव की हत्या कर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्वीट किया। DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि कुछ महीने पहले दिल दहलाने वाले श्रद्धा हत्याकांड से इंसानियत को झकझोर दिया था, अब निक्की यादव नाम की लड़की उसके बॉयफ्रेंड ने मार डाला, फ्रिज में लाश रखी और अगले दिन किसी और से शादी की, बेहद खौफनाक, आखिर कब तक लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। खास बात है कि साहिल और निक्की काफी समय से एक साथ रह रहे थे, निक्की सारा खर्च साहिल ही उठाता था। इस बीच साहिल के घर वाले उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी थी, फिर दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरी लड़की से शादी तय होने पर निक्की यादव साहिल पर शादी का दबाव बनाने लगी। इसके बाद साहिल ने निक्की की हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली थी। साहिल ने निक्की को बाहर घुमाने के बहाने कार से ले गया और कश्मीरी गेट और ISBT के पास निक्की की गला घोट कर हत्या कर दी। शव को एक बंद पड़े ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।